हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टेकर्ड मैनिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगन मैट्रिक कॉइन के बारे में। आपको पता होगा कि पॉलीगन मैट्रिक अभी यहां पे मार्केट में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाया, लेकिन अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर पूरी तरह से एनालिसिस भी देखेंगे। RSI बेस्ड, यानी कि यहाँ पे आपको पता होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेस्ड, यहाँ पे आज हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं पॉलीगन मैट्रिक का। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही अभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट आए हुए उसे भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे जैक डॉर्सी हैं, जो ट्विटर के CEO, और तमाम बिटकॉइन को लेकर के जो अपडेट्स आई हुई है को लेकर के पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने एक वीडियो अपलोड किया है थोड़ी देर पहले। तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप चाहे आप मैट्रिक्स, यहाँ पे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज की किसी भी, अभी हमने उस वीडियो में खास करके WZX कॉइन के बारे में बताया है, अभी आपको क्या करना चाहिए, आगे कितना अच्छा स्कोप है, और साथ ही बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका से आया है, चाहे न्यूयॉर्क से देख सकते हैं आप लोग, और साथ ही बहुत सारी बैंक जो है USA में यहाँ पे खबर आ रही है, 650 बैंक जो यहाँ पे खुद क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए आगे स्टेप ले रही है, और साथ ही अमेरिका की पॉप सिंगर्स, पता है आपको, उनका भी यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। तो तमाम विषयों पर हमने डिटेल में बात किया है, तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए। तो गाइस, अभी यहाँ पे देखिए तो बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे पॉलीगन को लेकर के आई हुई है। तो इसमें देख सकते हैं जो DeFi है और NFT एप्स, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं जो आभा है, देख सकते हैं ये हैशटैग यहाँ पे यूज किया गया आभा, इसको आप डिटेल में देखना चाहें तो आप गूगल पर भी देख सकते हैं, सभी यहाँ पे पॉलीगन के साथ लॉन्च हो रही है। यहाँ पे देखिए तो We are happy about this. इट मीन्स अ ग्रेटर यूटिलिटी फॉर द पॉलीगन ट्रेजरी एंड रेवेन्यू सोर्सेस फॉर मार्केट प्रोटोकॉल। देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉलीगन को जो यहाँ पे लिक्विडिटी है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होंगे जो लिक्विडिटी के कारण, यहाँ पे देख सकते हैं SX नेटवर्क इज लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रेडिक्शन मार्केट ब्लॉकचेन, और ये खास करके जो पॉलीगन SDK यूज कर रही है। और गाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, SX नेटवर्क विल बी द फर्स्ट स्टैंड अलोन ब्लॉकचेन टू लॉन्च यूजिंग द पॉलीगन SDK। आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये SX टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई यहाँ पे सिक्योरिटी और हाई यहाँ पे स्पॉन्सर्ड यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे देखिए तो पॉलीगन विल बी ओपनिंग अ वॉल्ट ऑन मेकर एंड कमिटिंग $50 मिलियन ऑफ मैटिक टोकन टू सीड लिक्विडिटी फ्रॉम द ट्रेजरी। देख सकते हैं जो यहाँ पे पॉलीगन में और मार्केट में पॉलीगन मैट्रिक को लेकर के लिक्विडिटी लाने के लिए जो खजाने से यहाँ पे देख सकते हैं $50 मिलियन की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ ए स्मॉल स्टेप टू यूटिलाइज मैटिक ट्रेजरी फॉर द ग्रेटर कम्युनिटी बेनिफिट। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे जो मैट्रिक या पॉलीगन की जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट करने के लिए किया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए तो पॉलीगन गेमर्स, यहाँ पे देख सकते हैं गेमर्स के ट्रेडिंग कोज फॉर गेम इज अबाउट टू चेंज। तो देख सकते हैं बहुत सारी गेम्स की देखिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोकर डिसेंट्रलाइज गेम है जो पॉलीगन एक्स पे लॉन्च हो रहा है, तो ये इसका नाम है कार्टेसी, और पता होगा कार्टेसी पूरी तरह से यहाँ पे आपको पता होगा कि जो पूरी तरह से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बेस्ड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल है। आप भी इसको यहाँ पे डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप इसके ट्विटर हैंडल पर भी जाकर के देख सकते हैं, और साथ ही ऑफिशियल साइट गूगल पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रीम, यहाँ पे CREM फाइनेंस ऑफ DeFi प्लेटफॉर्म That will provide lending, swap payment and tokenize. तो यहाँ पे पॉलीगन को लेकर के देख सकते हैं क्रीम फाइनेंस और पॉलीगन इकोसिस्टम इंटीग्रेट कर रही है, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रांजेक्शन्स और पूरी तरह से स्मूथ ट्रांजेक्शन और लोअर गैस फी को के साथ ये पूरी तरह से क्रीम यूजर्स को बेनिफिट पहुँचाने के लिए ये पॉलीगन अभी SS करा रही है, और साथ ही आगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ SS इसको मिलने वाला है। और गाइस, यहाँ पे देखिए पॉलीगन मैटिक नाउ पावर्स द रॉबिन हुड ऑफ क्रिप्टो। आपको पता होगा स्मार्ट DeFi को कहा जाता है, स्मार्ट DeFi अपने आप को खुद कहता है, स्मार्ट DeFi जो है खुद कहता है कि हम रॉबिन हुड हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो के रॉबिन हुड कहा जाता है। इट वांट्स टू ट्रूली डीकमोडिटाइज एंड ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ यूजर्स इनटू द क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट्स हैज बीन बिल्ट ऑन द पॉलीगन मैटिक नेटवर्क एंड पर्पसेस टू लॉन्च इन क्यू। देख सकते हैं जो Q2 आपको 2021, आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पे मैटिक का या फिर विंग का किसी का भी यहाँ पे इवेंट, सब इसी पे डिपेंडेंट है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लॉन्च हो रहा है। तो गाइज, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे आगे अपडेट, मतलब कि पॉलीगन को लेकर के आने वाली है। पॉलीगन बहुत ही ज़्यादा इसका जो अभी लॉन्ग टर्म जो दिख रहा है लॉन्ग, वो बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, भले ही अभी माइनस में जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनालिसिस, और गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे WZX को ओपन करके रखा है। INR में देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक प्राइस, यहाँ पे मैट्रिक पॉलीगन मैट्रिक हमने ओपन किया है, यहाँ पे देख लेते हैं अभी इसका मार्केट प्राइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसका मार्केट प्राइस यहाँ पे 85 समथिंग चल रहा है, 85 के करीब में, 85.5, 85 से भी यहाँ पे ऊपर चल रहा है, देख सकते हैं 85.5 यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, 80.6। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देखिए तो
हम RSI यानी कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओपन किए हैं। यहाँ पे देखिए तो ये कल का था, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सेल आउट करने का मौका, और यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री करने का मौका यहाँ पे आज, जो यहाँ पे कल जो 8:30 बजे बहुत अच्छा खासा पॉइंट था एंट्री करने का यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जिन्होंने एंट्री नहीं लिया कोई बात नहीं, अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अभी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट से नहीं एंट्री लेना है, क्योंकि अभी मार्केट एक तरह से एवरेज है और अभी आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस देखिए तो 85-86 चल रहा है, और ये 90 हो सके तो मतलब ग्रो कर सकता है, इसके चांसेस अधिक हैं, मतलब इसके चांसेस 100% नहीं है। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, लेकिन मार्केट इसी रेंज में अभी बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 82 के बाद यहाँ पे 91-92 के रेंज में ही अभी मूव करने वाला है अभी मार्केट कुछ दिनों तक। अभी हमने जो भी आपको अपडेट्स बताए हैं वो सारी अपडेट्स यहाँ पे अभी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो जो भी अपडेट अगर आप मिस किए हैं तो बिल्कुल अपडेट को मिस नहीं कीजिए, उन सभी अपडेट्स को जानिए, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो एक दो अपडेट उनसे छूट जाता है, और उनके जिसके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लॉस देखने क्षति देखने मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको सभी अपडेट्स देखने चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म वाले अपडेट हो शॉर्ट टर्म वाले अपडेट हो, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप लोग हम आपको यहाँ पे RSI इंडेक्स दिखा रहे हैं, तो गाइस अभी आप एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़े बहुत अमाउंट से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपको साइडवेज ट्रेडिंग करना होगा। और गाइस यहाँ पे जैसे RSI का वैल्यू यहाँ पे लगभग 60 आता है, तो आप इसे सेल कर सकते हैं और सेल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो इसका मार्केट अभी 85 से ऊपर चढ़ने की प्रयास में है, और ये ऊपर चढ़ेगा और 87-88 तक आसानी से ये मतलब आने वाले 2-3 घंटों में जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट देखे तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लंबा पंप अभी देखने नहीं मिलने वाला है। तो जो भी यहाँ पे लंबे पंप का वेट कर रहे हैं कि 100, 110, 120 कब जाएगा, तो उनको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना चाहिए और पैसेंस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है जो मार्केट को यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है, लेकिन आपको एक इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, इंतज़ार आपको करना होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर थोड़ा बहुत इंतज़ार करेंगे और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है गाइस, क्योंकि पैनिक होकर के आप लोग यहाँ पे क्विट कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे गिव अप करने से बहुत ही ज़्यादा लॉस भी होता है। तो आपको लॉस यहाँ पे ना हो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो साइडवेज ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी हम आपको दिखा रहे हैं अदर कॉइन, देख सकते हैं यहाँ पे शिबा इनू भी माइनस में है, डज कॉइन भी नेगेटिव है, लेकिन जो डक कॉइन है, लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है जो डक कॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे डक कॉइन आप लोग इससे शॉर्ट टर्म से ही ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे आप लोग होल्डर के बारे में इसके बारे में पूरा एनालिसिस कीजिएगा, तो ये कॉइन ऐसी नहीं है जो आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी इसका मार्केट प्राइस सीधे 2-1 रुपये तक जा सकता है। तो ऐसी कॉइन से आप लोग थोड़ा बहुत बच कर रहिए, साइडवेज ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत तभी प्रॉफिट बुक करके, लेकिन आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप लिमिट लगा करके ही यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग करें। और गाइस यहाँ पे मैटिक से अभी आप साइडवेज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो को आपको इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, उससे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वाले वीडियो में दिया है, तो उस वीडियो को भी जा करके देखिए। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।